नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्राचिसना। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने 12वीं का रिजल्ट जो है घोषित कर दिया। इस बार एक बार फिर से बिहार की लड़कियों ने बाजी मारी है। आपको हम बता दें कि 40 दिन से स्टूडेंट्स का लंबा इंतजार जो है खत्म हो चुका है, क्योंकि बिहार इंटरमीडिएट का रिजल्ट जो है आज घोषित कर दिया गया है। क्या है पूरा डिटेल्स, हम आपको बताते हैं विस्तार से। इंटर आर्ट्स में खगड़िया के आर लाल कॉलेज की छात्रा मधु भारती और सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय के कैलाश कुमार ने 92.6% के साथ टॉप किया है। इन दोनों को 500 में से 473 अंक मिले हैं। कॉमर्स में औरंगाबाद के एन सिन्हा कॉलेज की छात्रा सुगंधा कुमारी ने 94.2% के साथ टॉप किया है। इन्होंने 500 में से 471 अंक हासिल किया है। वहीं आपको बता दें, साइंस में नालंदा के बिहार शरीफ के श्रीमती परमेश्वरी देवी गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा सोनाली कुमारी ने 94.2% के साथ टॉप किया है। इन्हें भी 500 में से 471 अंक मिला है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कुल 13,50,243 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसमें से 7,03,693 छात्र और 6,46,540 छात्राएं शामिल हुई थी। आपको हम बता दें कि कोरोना काल के बाद बिहार बोर्ड ने काफी कड़ाई के साथ परीक्षा ली थी। कोरोना काल में परीक्षा होने के कारण भी कोई अव्यवस्था की स्थिति नहीं बनी। पिछले साल यानी बिहार 12वीं बोर्ड परीक्षा 2020 में साइंस स्ट्रीम में 79.5% लड़कियों और 76.5% लड़के पास हुए थे। वहीं कुल 77.39% स्टूडेंट्स ने बाजी मारी थी।